हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर चैनल। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो डालें और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, इसको हम बोलते हैं पटैटो पिन व्हील्स। ये होममेड है, बनाने में बहुत ईजी है और आप सुन पा रहे हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी खस्ता बनती है। तो चलते हैं इंग्रीडियंट्स की तरफ और जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, एक बड़े बाउल में डाल लें। यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू को ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है, अजवाइन ली है, घी लिया है थोड़ा सा, सेंधा नमक लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी में अलग से मैदा डाल लिया है क्योंकि इसका हमें घोल बनाना है। यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है और यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। सबसे पहले आप मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर लें, घी को डाल लें, अजवाइन को और आधा नमक आप इसके अंदर ऐड कर लें। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप आटे को नीड कर लें। इन सभी की क्वांटिटी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स पेज पर दे दी हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप आटे को अच्छे से गूंद लें। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और आटे को नीड कर लें अच्छे से। आप देख रहे हैं लगभग इसमें सिर्फ 1 कप पानी ही डला है, 1 कप पानी ही ये मैंने यूज़ किया है इसमें। आटा जब तक सेट हो रहा है यहाँ पर आप इस तरह से पेस्ट बना लें, जो मैदा हमने 1 कटोरी में लिया था उसको आप घोल बना लें। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। देखिए इस तरह से। यहाँ पर जो हमने आलू ग्रेट किए थे उसके अंदर आप धनिया ऐड कर लें, नमक, लाल मिर्च, काले मिर्च और ये चाट मसाला ऐड कर लें। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जो आपकी रेसिपी है बड़ी चटपटी बनती है। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल सेट हो गया है, आप इसे ऑयल लगाकर ग्रीस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आटे को 2 भागों में डिवाइड कर लें इस तरह से और आप दबे हाथों से इसको बेलना स्टार्ट करें। शेप की टेंशन मत लें, किसी भी शेप में इसे दबाकर बेल दीजिए। देखिए ये मैंने बेल दिया है, उसके बाद आप इसकी जो साइड्स हैं उसको इस तरह से कट कर लें। जो यहाँ पर आलू का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसको आप इस तरह से डिवाइड करके चारों ओर लगा दें, देखिए। और उसके बाद आप एक स्पून के सहायता से इसे अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लें, चारों ओर इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। बहुत हल्के हाथों से हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है ये। देखिए इस तरह से जब आप स्प्रेड कर लें तो इसको हल्के हाथों से उठाएं और रोल करना स्टार्ट कर दें, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप इसे रोल कर दें। रोल करने के बाद आप इसे एक बार इस तरह से दोबारा रोल कर लें ताकि ये पतला और लंबा हो जाए। उसके बाद आप इन्हें इक्वल साइज में कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से इन्हें कट कर लिया है मैंने। उसके बाद आप क्या करें, इनकी शेप को एकदम ठीक कर दें और हाथों से ही इन्हें गोल कर लें। 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, आप इन सभी को गोल कर लें। यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और चेक भी कर लिया है, परफेक्टली गरम हो चुका है। यहाँ पर आप पिन व्हील्स को जो मैदे का आपने बैटर बनाया था उसके अंदर डालकर इस तरह स्पून की सहायता से आप कढ़ाई के अंदर डाल दें।
याद रखें दोस्तों, आपकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम लो होनी चाहिए। इस तरह से काफ़ी सारे पिन व्हील्स एक ही बारी में बन जाएंगे। आप बार बार इन्हें शफल करते रहें इस तरह से, ताकि ये हर जगह से फ्राई हो जाएं। और दोस्तों, इनको फ्राई होने में लगभग 10 मिनट लगेंगे, 8 से 10 मिनट लगेंगे। और आप फ्लेम को बिल्कुल भी ना हिलाएं, इसे लो मीडियम पे ही रखें, और आप देखेंगे धीरे धीरे ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। लगातार शफल करते रहें। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ गया है, और मुझे लगभग 9 से 10 मिनट हो गए हैं इन्हें शफल करते हुए, और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो आप इनको किचन टॉवल पर निकाल लें, ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। देख रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही खस्ता लग रहे हैं ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने खस्ता और कितने क्रिस्पी बने हैं ये। और जैसा कि आपने देखा, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और कितनी झटपट ये बनकर तैयार हो सकती है। और आप इसे एक हफ्ते तक अपनी चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और अब आपको करना क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप यहाँ पर किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।